चार बार सांप पकड़ चुके हैं घुनस, पहली बार पकड़ रही है। मेरा नाम आनंद चिट्टी है और पिछले 18 साल से मैं स्नेक रेस्क्यू का काम करता हूँ। और काफी बार उनके कहने के अनुसार 5 बार लगभग सांप पकड़ रहे हैं और मेरे ख्याल से घुनस मैंने कभी पकड़ा नहीं था। ये पकड़ा है सांप कभी? नहीं, ये पहली बार है। धामन नाग बहुत बार पकड़े हैं और मतलब इस तरह के सांप आते हैं। दूसरी बात वो भी ये भी बता रहे थे कि सुबह से तीन सांप दिखाई दिए और इन्होंने मैं आने से पहले, मैं तो नहीं चाहता सामान कितना भी हो और हम निकाले क्योंकि वो भाग वगैरह सकता है, लेकिन उनको शक था और मुझे मेरा टाइम ना वेस्ट हुआ ऐसा सोचा उन्होंने और खुद ही लकड़ी निकाली है। वो तो वैसे खतरनाक सांप है दोस्तों। तो काफ़ी मतलब कल भी हमने इस वक्त दोपहर के वक्त ऐसे सांप पकड़े जो रात में घूमने वाले हैं। हमारे साथ संतोष जी है, उनके हाथ में कैमरा है, अभी हम इसको रिस्क्यू करेंगे आसानी से क्योंकि इधर लकड़ियों में दिखाई दे रहा है। इस पत्तों में सांप छुपा बैठा है, पता भी नहीं चलता दोस्तों, क्योंकि ये पत्तों से सूखे, खासकर सूखे पत्ते हैं तो बहुत मैच कर लेता है। आप इस तरह से देख सकते हैं और सांपों को समझना बहुत जरूरी है। इंडस्ट्रियल एरिया में है और यहाँ पर हमने इससे पहले 4 बार सांप पकड़ चुके हैं घुनस, पहली बार पकड़ रही है। देखिए इस तरह से, और ये आगे हाथ में आसानी के साथ। वैसे तो अक्टूबर और लगभग अक्टूबर से जनवरी तक इसका मेटिंग पीरियड होता है, लेकिन इस हफ्ते में लगभग हम 10 घुनस रेस्क्यू कर चुके हैं। सांप का एक विशेष टाइमिंग होता है जो उसके अनुसार बाहर निकलते हैं और खासकर कल भी हमने दोपहर के वक्त लगातार 2 घुनस पकड़े। आज भी ये दोपहर का वक्त है और ये तो रात में घूमने वाला सांप है लेकिन दिन में भी घूमता है। और नाग जो है दिन और रात में घूमता है लेकिन वो दिन में ज़्यादा दिखाई देता है, रात में कम दिखाई देता है। धामन ऐसा सांप है सिर्फ दिन में घूमता है। कौड़ियाला या करेत सांप वो सिर्फ रात में घूमते हैं, एक दूसरे से जो मैच करते हैं। सांपों को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। हम बार बार इसके वीडियो आते जो हमारे पुराने दर्शक है जो हमें हमेशा देखते आए इस सांप को पहचानते होंगे, वही रिपीट होगा, लेकिन नए दर्शक है वो उसको पहचाने, ऐसा हम चाहते हैं। खासकर विषैले सांपों को पहचाने और सांपों को पहचानने की शुरुआत इस सांप से हो। घुनस है रसस वाइपर, 6 फीट लंबा बढ़ सकता है, अभी फिलहाल लगभग 3 या 4 साल का हो सकता है आसानी के साथ। गोल गोल धब्बे इसकी पहचान है, लोग गलत फहमी से उसको अजगर समझ लेते हैं, पाइथन समझ लेते हैं। अजगर से इसका दूर दूर तक कोई भी वास्ता नहीं है दोस्तों, क्योंकि अजगर बिन विषैला सांप होता है, घने जंगल में रहने वाला सांप होता है, वो बहुत ही बड़ा लंबा सांप रहता है। ये 6 फीट तक लंबा दिखता है, मोटा होता है, इसलिए लोग इसको गलती से अजगर समझने की गलती करते हैं। अजगर तो बिन विषैला होता है, ये बहुत ही विषैला है, नाक से भी दुगना विषैला सांप। और ये जो सांप है इसका सामने वाला जो दांत रहता है जो विषैले दांत बोलते हैं, लगभग 1 इंच लंबा होता है, इसलिए आपका पांव उसके ऊपर पड़ने की संभावना है क्योंकि ये स्टैचू हो जाता है, हिलता नहीं जल्दी जैसे आपने देखा, और बाद में आपका पांव पड़ने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए संभल कर रहना जरूरी है। इस सांप के बारे में हम ऐसा हमेशा कहते हैं कि इसको आपको एक टॉर्च जान बचा सकती है, क्योंकि सांप कहीं पर भी आ सकते हैं, समझ के रहना चाहिए। तो इधर और भी थोड़ा सा हलचल दिखाई दे रही है, हो सकता है और भी कुछ हो, ये लकड़ी निकालने के बाद पता चलेगा। इसको अभी हम बंद करते हैं दोस्तों, अभी इसको हम बंद करते हैं। नहीं मोटा ये हो गया बंद, थोड़ा सा धुंधला सा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सांप जो है केंचुली निकाला तो काफी सुंदर दिखाई देता है। देने के लिए शुक्रिया, लाइक और शेयर कीजिएगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।